गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी जट्टा। और आज हम बात करने वाले हैं मिर्जापुर 3 के बारे में। भाई इस पर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो डाल चुका था, क्योंकि प्राइम वीडियो की तरफ से बार बार इसके पोस्टर और छोटे छोटे क्लिप जो है वायरल किए जा रहे थे, यानी कि उनके उस पर जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर डाले जा रहे थे और उसमें दिखाया जा रहा था कि ये जल्दी ही हम लोगों को देखने मिल जाएगा। लेकिन भाई ऑडियंस खुद इतनी ज़्यादा सोक्ड हो गई कि अभी तो हमने यार पंचायत 3 भी कंप्लीट नहीं किया है और इतनी जल्दी हमें प्राइम वीडियो पर मिर्जापुर 3 देखने को मिल जाएगा। यहाँ ऑडियंस जो है सॉक्ड के साथ साथ में बहुत ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि इतने बड़े दो सीजन उन्हें एक साथ देखने को मिल जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा ऑडियंस का तो, और एक बार में वो कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि मिर्जापुर के तीसरे सीजन का भी इतना लंबा वेट करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 2018 में जब से सीरीज आई है उसके दो सीजन निकले और तीसरे का वेट करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जून 2024 में भी हम वेट कर रहे हैं कब उसका सीजन आएगा तीसरा। लेकिन यहाँ पर भाई बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। अभी प्राइम वीडियो की तरफ से बिल्कुल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इसे डिले कर दिया गया है और ना वो आपको जून में मिलेगा देखने के लिए ना जुलाई में मिलेगा। 2024 में तो जरूर मिलेगा लेकिन अगस्त के लास्ट में मिलेगा देखने के लिए। हो सकता है कि 22 अगस्त 2024 को आपको ये देखने को मिले, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आया है प्राइम वीडियो की तरफ से। मैं मानता हूं कि ये जो मिर्जापुर के फैंस हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, जो अभी से ही तैयारी कर बैठे थे पूरी कि पंचायत 3 तो हमने निपटा दिया है और हम अब बारी किस पर लगा दिए, मिर्जापुर 3 पर। लेकिन यहाँ पर बड़े झटके वाली बात है। अब देखते हैं कि इन इलेक्शंस के चलते हुए या फिर किसी और रीजंस की वजह से कि पूरी ऑडियंस का ध्यान तो यहाँ पर भाई चुनाव में लग जाएगा, लेकिन चुनाव का खेल तो 2 से 4 दिन का है। यहाँ पर अभी ऑफिशियल जो बताया गया है कि कुछ टेक्निकल रीजंस या पता नहीं कुछ उनकी जो वॉइस आर्टिस्ट रहते हैं उनकी वजह से अभी कुछ ये डिले कर दिया गया है। लेकिन ये तो अंदर की बात है, जो अभी खुलकर वो बाहर नहीं आ रही है। लेकिन जो अभी ऑफिशियल जो सबके सामने बात आई है उसमें सिर्फ डिले ही उन्होंने बताया है कि ये सिर्फ आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या ये प्राइम वीडियो वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं? क्योंकि अभी लाइनअप में बहुत सारी वेब सीरीज और है जो प्राइम वीडियो ने एक साथ में अनाउंसमेंट की थी, चाहे उसमें फॉर्मोड शॉर्ट से लेकर और बाकी जो न्यू वेब सीरीज या उनके कुछ शोज जो और आने वाले हैं या उसमें सिंगल मूवीज हों, वो अभी इतनी ज़्यादा लाइनअप है कि 2024 का आधा साल खत्म हो गया है और अभी तो पूरा बाकी नहीं है, आधा साल ही बचा है, 6 महीने। तो उन 6 महीने के अंदर इतना सारा कुछ एडजस्टमेंट करना क्या प्राइम वीडियो कर पाएगा? और जो ऑडियंस को एक मज़ा आना चाहिए भाई, जो बीच बीच में एक तड़का लगता रहता है कभी हॉरर का, कभी क्राइम का और कभी थ्रिलर का, वो सारी चीज़ें देखने के लिए ऑडियंस पहले से अमेजोन प्राइम वीडियो पर इतना भरोसा करके बैठी है और अपने सब्सक्रिप्शन लेकर बैठी है। जो 1 महीने सब्सक्रिप्शन वाले बैठे थे उनका तो खत्म हो गया होगा, फिर दोबारा से करेंगे वो तो। ये हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजी हो कि एक बार उन्होंने पंचायत का करा दिया तो अगली बार हो सकता है कि वो अगस्त में उन्हें दोबारा लेने के लिए मजबूर करे। कुछ ऐसे जो ग्राहक रहते हैं जो 1 महीने का ही लेते हैं, 1 साल का नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है प्राइम वीडियो वालों की। लेकिन भाई आपका भाई है, जो भी वेब सीरीज या कुछ भी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। और यार 1000 पार करा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।